नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय तनोट माता। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, प्रेजेंट में हम तनोट माँ के स्थान के पास हैं, जो कि तनोट गांव में पड़ता है। यह जैसलमेर से नियर अबाउट 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस समय दिन के 2 बज रहे हैं और इस टाइम से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 9:30 बजे ही हम नहा धोए हैं। कपड़े हमारे काफ़ी गंदे थे कई, तो हमें स्थान मिल गया तो हम सोचे यहीं पर नहा धुल लें। तो कपड़े मैं धुले हैं, जो कि देखिए यहाँ पर फैलाए हुए हैं और कुछ उधर बाउंड्री पे ये कपड़े फैलाए हैं, सूखने वाले हैं कपड़े। तो अब हम भी तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे माउंट आबू। हमें जिस तरफ से लिफ्ट मिलती जाएगी, या बाड़मेर रुके या जोधपुर रुके, जिधर से लिफ्ट मिलती जाएगी उधर से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब दोस्तों, कपड़ा वपड़ा सारा अपना पैक कर लिए हैं, बैग हमारा रेडी है और हम भी रेडी हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भाई लोग, जो कि शायद यहीं के रहने वाले हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के हो? एमपी से आए हैं भाई लोग? एमपी से आए? किस जगह? नहीं, एमपी से कहाँ से आए हो आप लोग? शिवपुरी से। हाँ दोस्तों, भाई लोग एमपी के शिवपुरी से आए हैं तनोट माता के दर्शन करने। फिलहाल ये कुछ भाई लोग रहे हैं, ये भाई लोग हैं जो शिवपुरी एमपी से आए हैं। तो इन लोगों से मुलाकात करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आगे माउंट आबू की तरफ। दोस्तों, जाने से पहले माँ का एक बार आशीर्वाद ले लिया जाए, फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया जाए। मंदिर परिसर में आ गए, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का दर्शन करके तुरंत वापस चलेंगे। सामने हमारे माँ का मंदिर और बगल में बीएसएफ की बटालियन। माँ, इतना आशीर्वाद दो, इतना बल दो, इतना आत्मसाहस दो कि हम अपनी जर्नी को हंसी खुशी पूरी कर सकें और सबसे साझा कर सकें। दोस्तों, माँ के तो दर्शन हो गए, अब यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, चलते हैं कुछ सेल्फी लिया जाए, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा जाए। हम भी सेल्फी ले लें, कुछ फ़ोटो भी ले लिए। अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें निकलना चाहिए, नहीं तो लिफ्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 125 किलोमीटर करीब जैसलमेर ही है, हमारी बैंड बच जाएगी, हम फंस जाएंगे इस रेत में। हमें यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश चाहिए करनी चाहिए, नहीं तो लिफ्ट की आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। चलते हैं, बैग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों निकल गए, पैदल चल रहे हैं, लिफ्ट मिलेगी, कोई ना कोई मिलेगी उम्मीद है। हालांकि रेत है यहाँ पे, यातायात बहुत कम चलता है तो कम लिफ्ट भी मिलती है। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर लोंगे वाला था मेन बॉर्डर, जहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पर बस फिनिशिंग थी, और उस पार रेगिस्तान, इस पार रेगिस्तान, वही बॉर्डर लाइन है वहाँ फोर्स के जवान, कुछ वही है, बाकी कुछ नहीं है, लोग बता रहे थे। और यहाँ से लिफ्ट भी नहीं हमें मिल रही थी, हमने एक दो बार कोशिश किया तो हम नहीं गए, वापस चल रहे हैं जैसलमेर की तरफ। दोस्तों, माँ के आशीर्वाद से ज़्यादा परेशान तो नहीं होना पड़ा। फिलहाल हम कुछ ही दूरी चले थे, जो 250 मीटर, और टैक्सी वालों ने लिफ्ट नहीं दिया। ये लोग भैया हैं यहाँ के, ये लोग यहाँ पे हमें लिफ्ट देखे, ये भैया हैं और ये भैया हैं, कुछ सामान लेकर लोग जा रहे हैं रामगढ़ की तरफ, और ये उनके साथ ये बाबू हैं। इन भैया के साथ हमारी रामगढ़ की जर्नी कटी जाएगी, जो कि 50-60 किलोमीटर है। वहाँ से 50-60 किलोमीटर जैसलमेर रहेगा, तो वहाँ से हमें फिर देखा जाएगा। फिर रामगढ़ की जर्नी इन भैया लोगों के सारे हमारी कट रही है। दोस्तों, इसी गांव में सनी देओल और सुनील शेट्टी की सुपरहिट मूवी बॉर्डर फिल्म का शूट हुआ था, जो कि तनोट माता के मंदिर से नियर अबाउट 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, फाइनली तनोट माता मंदिर से रामगढ़ आ गए हैं, और देखिए ये दोनों भैया लोग हैं, इनकी ये बोलेरो है, इसमें कुछ क्या नाम होता है इसका, तुम्बा लिए हैं, जो कि शुगर की दवा बनाने के काम आता है, वो लेकर जा रहे हैं आगे। तो ये लोग लिफ्ट दिए, इनके सारे रामगढ़ आ गए हैं, 60 किलोमीटर यहाँ से जैसलमेर 60 किलोमीटर है, तो आगे अब यहाँ से चलते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रामगढ़ से एक भैया थे, वो आ रहे थे जैसलमेर, उन्होंने लिफ्ट दे दिया। रामगढ़ में लगभग 1 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ा, फिर वो लिफ्ट दे दिए। तो जिनके द्वारा हम जैसलमेर आ गए, उनको नए नए किसी कंपनी में लगे, जॉब में लगे हैं, उनका मार्केटिंग का काम है, तो वीडियो में नहीं आना चाहते थे, तो बताएं तो हम कहें ठीक है भाई, अब जो किसी को नहीं करना, उनका भाई जॉब का मसला है, तो हम उनको लिए भी नहीं। तो फिलहाल हम जैसलमेर में आ गए हैं, ठंड लग रही है, टी शर्ट पर वहाँ से निकले थे, तो अब स्वेटर पहनेंगे, उसके बाद यहाँ सब निकलेंगे बाड़मेर की तरफ। फिलहाल भूख लगी है तो खाना भी मिल नहीं रहा है, होटल वोटल भी अभी बंद है, लगभग 6-7 बजे से ओपन होगा। इस समय बज रहे हैं 5:00 नियर अबाउट 10 मिनट करीब हो रहे हैं, तो अब देखते हैं
हमें बाड़मेर की तरफ निकलना है। जैसे हमें यहाँ से लिफ्ट मिलेगा कोई ट्रक बस बाड़मेर की तरफ निकलेंगे और बाड़मेर होते हुए चलेंगे माउंट आबू। चाल देखिए यहाँ पे कुछ भैया लोग मिले जो कि बहुत प्यारे हैं। ये यहीं के रहने वाले लोग हैं। हमारा कैंपेन देखे तो पूछे तो बताए तो बहुत खुश हैं चाल। तो चाल आप लोग जैसलमेर के बारे में कुछ बताइए, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप जैसलमेर के बारे में या फिर हमारी जर्नी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी बोलो। जैसलमेर एक सोने की नगरी है। अच्छा अच्छा। यहाँ विदेशों से लोग आते हैं पर्यटन घूमने के लिए। जी सोने की चिड़िया बोला जाता है इसको, स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी। अच्छा दोस्तों भाई के मुताबिक जैसलमेर को स्वर्ण नगरी बोला जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। जैसे भारत को सोने की चिड़िया, उसे इसको जैसलमेर को भी कहा जाता है इनके मुताबिक। खैर चलिए आगे चलते हैं, अब अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं यहाँ से। दोस्तों छोटी छोटी लिफ्ट के माध्यम से हम बाड़मेर सिटी के बाहर आ गए हैं बाड़मेर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि माउंट आबू हमें जाना है, बाड़मेर होकर जाएंगे। तो चलिए फिलहाल ये भैया है इन्होंने लिफ्ट दिया जो इनके माध्यम से हम सिटी के बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से बाड़मेर रोड ये जाएगी, इससे चलते हैं बाड़मेर की तरफ। दोस्तों फिलहाल हमें बाड़मेर रोड पे नियर अबाउट 40-50 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई इस ट्रक में, जो कि अब फिलहाल शाम हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। और ये देखिए ये भैया है इन्होंने लिफ्ट दिए है। ये भैया हमें लिफ्ट दे दिए हैं उस तरफ के लिए। तो फिलहाल इनके माध्यम से ट्रक में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब भले अंधेरा हो या जो कुछ भी हो, अब ये छोड़ेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे देखेंगे या फिर दूसरी लिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो उधर ही फिर रेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, रुकेंगे तो नहीं, जर्नी में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि माउंट आबू हर हाल में हम सोच रहे हैं कि कल सुबह या दोपहर तक पहुँच जाएँ। देखिए क्या होता है, जर्नी जारी है। दोस्तों जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पे आ गए हैं, देवीकोट नामक स्थान है। यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और यहाँ से अब लिफ्ट का वेट करते हैं, जैसे लिफ्ट मिलेगी आगे फिर जर्नी यहाँ से जारी किया जाएगा। फिलहाल ये देवीकोट नामक स्थान है जो कि जैसलमेर में ही शायद पड़ता है। दोस्तों देवीकोट से हमें एसी बस में लिफ्ट मिल गई है, हालांकि रिक्वेस्ट किए हैं, कहे हैं तो दे दिए लोग लिफ्ट। तो फिलहाल एसी बस में इस बस के सहारे हम चले हैं बाड़मेर, जो कि नियर अबाउट यहाँ से 110 किलोमीटर करीब है। तो हमारी जर्नी बाड़मेर तक की इस 110 किलोमीटर इस एसी बस से कटेगी। यहाँ देखिए हमारे सामने कुछ भाई लोग हैं जिनके साथ हमारी प्यारी सी सफर जारी। दोस्तों फाइनली हम बाड़मेर पहुँच चुके हैं। वो भी बाड़मेर में एक जान पहचान के भैया थे जो कि हमारे सिस्टर यहाँ पे रह चुकी हैं बाड़मेर में, हमारे जीजा जी की यहाँ पोस्टिंग थे करीब 2-3 साल पहले। तो एक भैया है गांव में, उन्हीं के घर पे हम आ गए, बस से रोड पे उतर गए हैं। वो बस हालांकि जा रही थी उदयपुरी जा रही थी, माउंट आबू की तरफ जा रही थी, लेकिन ओनली वन उन्होंने हमें बाड़मेर की लिफ्ट दिया, आगे नहीं ले गए। तो खैर कोई बात नहीं, हम बाड़मेर उतरे हैं, एक भैया है उनके घर मतलब आ गए हैं, जान पहचान के हैं। और देखिए वो अब हमें खिला रहे हैं ये बाजरे की रोटी, एक सब्जी क्या है, एक ग्वार फली की सब्जी है, ये बाजरे की रोटी जो फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ, और ये देसी घी है घर का। अरे दादी उसमें बाजरे की रोटी ये तुड़के इसमें खा रहे हैं। अब देसी घी में बाजरे की रोटी और मीठा डाल के खाओ, बहुत मजा आता है यार, मस्त लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये सभी खाना, मेरा फर्स्ट टाइम है। और देखो इन्होंने क्या लाया, ये दही, ये छाछ मट्ठा जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये तो खीसी बोलते हैं, खीसी पापड़, पापड़। दोस्तों ये पापड़ है, ये खाते मस्त लग रहा है यार, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये बाजरे की रोटी हमें बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको खा रहा है, फर्स्ट टाइम खा रहा बाजरे की रोटी अपनी लाइफ में। इसके पहले तो गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी मस्त लग रहा है।